एक और इंस्पिरेशन हमारे साथ मौजूद है, तानिया रोगाटिया, और ये चूंकि ब्लूमिंग लेन की जो है वो सीईओ भी हैं, तो आज हम इनसे जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बनना उसके लिए कितना मुश्किल रहा है, और आज इतने बड़े लेवल पे किसी एक विमेन को रिप्रेजेंट करना और बताना कि हमारी विमेन जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड भी है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम तानिया से। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप सब जानते हैं तानिया रोगाटिया मेरा नाम है, फाउंडर ऑफ ब्लूमिंग लेन, और आज का हमारा ये प्रोग्राम करने का मोटो जो था, मेन जो हमारा था कि हमारी फीमेल्स को एम्पावरमेंट करना कि किस तरीके से वो छोटे स्केल पे अपने काम को स्टार्टअप कर सकते हैं, और अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वो उनके लिए बेनिफिशियल कितना है। तो मेन जो हमारा मकसद था वो यही था कि हम जिनको हमने बुलाया था, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब कह दें हमारे गेस्ट स्पीकर थे मिस्टर अदील अंजुम, उनका मेन मकसद ही यहाँ पर था कि हमारी फ़ीमेल्स के साथ आकर काम करना। जब हमने उनका मौक़िफ़ सुना कि वो एक अच्छे पैमाने पे हमारी फ़ीमेल्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर हमें और अच्छी एक दिलचस्पी आ जाती है कि ठीक है भाई, अब बुलाना है और मतलब काम करवाना है, क्योंकि वो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं कि जिनके जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, जिनको बाहर आप लॉन्च कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप कुआलालंपुर में भी या मलेशिया में भी आप उनको लॉन्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया था। और हमारा कोशिश थी कि जो फ़ीमेल्स अच्छे स्किल्स पर, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, क्राफ्टर्स हों, या मतलब वो कहना चाहिए कि किसी भी हवाले से काम कर रही हों, तो उनको हम बाहर मुल्क में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की फ़ीमेल्स भी कम नहीं हैं, मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे जो हमारे लीडर्स हैं वो भी हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट कि मुझे एक प्लेटफॉर्म पर, मैं उनकी प्राउड मेम्बर हूँ MLF की, मेमल लीडरशिप फोरम की, और जब मैंने अपने बड़ों से इस बारे में डिस्कस किया रहीम जानू साहब से, तो सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए सपोर्ट किया कि पूरा FBCCI में इवेंट करवा के दिया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सपोर्ट की कि यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोग्राम कंडक्ट हो सके, और आगे भी हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को लाकर लोगों को एम्पावरमेंट, मतलब फ़ीमेल्स के साथ ही नहीं, हम चाहते हैं हमारा यूथ भी आगे बढ़े, तो यूथ भी, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे अपकमिंग अपने प्रोग्राम्स में करते जाएंगे इंशाल्लाह, और आप सबकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।